नोएडा में 35 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर में पड़ा मिला। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस का कहना है युवक की मौत अत्यधिक नशे में होने के कारण गिरने से हुई या फिर उसकी हत्या हुई है, इसकी फिलहाल जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक इरफान नाम का युवक जो है रहता था, ये सेक्टर 2 में जो है वो कॉल सेंटर में काम करता था। वो उसके घर वालों ने अभी सूचना दी कि एक फ़ोन नहीं उठा रहा है, जिसपे एक परिजन आकर के उन्होंने जब देखा तो इसकी बाथरूम के पास जो है वो बॉडी पड़ी हुई थी। तत्काल पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम मौके पर आई। सभी बिंदुओं पर जो है वो गहनता से जाँच की जा रही है और प्रथम दृष्टा ऐसा लग रहा है कि शराब की जो है वो बोतल और गिलास भी वहाँ पे पड़ा हुआ है।